गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। एक सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं और वो कहाँ लाई करता है। आपने डिस्क देखी होगी, एक डिस्क मेरे पास भी है, छोटी सारी मेरे बेटे का खिलौना था कोई, लेकिन बट इट वॉज रिजेंबलिंग विद अ सर्कुलर डिस्क, दैट इज वाई आई हैव केप्ट इट हेयर। ये देखिए, ये इसकी कुछ सेंटर से एक थिकनेस भी है, साइड से ये बिल्कुल बारीक सी है और सेंटर में देखने से ऐसे है। अब ये पूरी सर्कुलर है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर डिस्क। ऐसी ही एक सर्कुलर डिस्क आपके पास है, इसका आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कि वेयर डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क लाई, उसके पोजिशन वैक्टर्स क्या होंगे। तो इसके हम क्या करते हैं कि एक हम सर्कुलर डिस्क सपोज करते हैं, एक सर्कुलर डिस्क हमने सपोज कर ली, ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है आर, और वो इस तरीके से है कि इसका सेंटर जो है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो है तो वो ओरिजिन पे है, मतलब कहने का कि जीरो जीरो पे वो लाई कर रहा है। ये इसका कहीं ये आ गया इसका सेंटर और यहाँ पर जीरो जीरो है, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, तो ये आ गया जीरो जीरो जीरो। ऐसी एक सर्कुलर आपने डिस्क सपोज कर ली है, इसका मास है एम, इसकी रेडियस है आर, और इसका सेंटर कहाँ है, जीरो, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है तो वो जीरो जीरो पे है। इस तरीके से हमने इसको जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें हमने रखा है। अब हम जानते हैं कि ये सर्कल जो है इसका एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया इसका टोटल आ गया पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज आर, जो यहां से यहां तक रहे ये है आर, ये हमको आगे जरूरत पड़ेगी। सो मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू एम है टोटल इसका मास और डिवाइडेड बाय एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो इस मास पर यूनिट एरिया होगा इसका एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्क जो हमारी है, ये बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स की मिला करके बनी है। अब जैसे जो मैंने एग्जांपल आपके लिए लिया है, अगर एक डिस्क को आप देखें, ये तो ऐसे देखने में डिस्क ही है, इस तरफ से आप देखें तो ये यहां पर लगभग तीन सर्कल की मिलकर के बनी हुई है। हमें ऐसे लगता है कि छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स हैं, जैसे एक ब्लैक वाला सर्कुलर रिंग है, उसके अंदर आपका ग्रे कलर का एक और सर्कुलर रिंग है, उसके अंदर आपका एक ब्राउन कलर का सर्कुलर रिंग है, उसके अंदर एक और दोबारा जो है सिल्वर कलर का आपको सर्कुलर रिंग दिखाई दे रहा होगा। तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो डिस्क हमारी है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर रिंग्स को मिला करके बनी हुई है, जिसका कि रेडियस, अब रेडियस इसका क्या करता है, जीरो से लेकर आर तक जाता है, कि अगर जो यहां सर्कुलर रिंग होगा उसका रेडियस बिल्कुल जीरो से उसी के आसपास होगा, और जो यहां पर रिंग होगा उसका रेडियस इस आर के आसपास होना चाहिए, या एग्जैक्टली इक्वल टू आर होना चाहिए। अब एक ऐसा हम सर्कुलर रिंग इसके बीच में कंसिडर कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि एक ऐसा सर्कुलर रिंग है इसके बीच, सपोज कर लो ये सर्कुलर रिंग है। अब ये सर्कुलर रिंग ऐसा है कि इसकी रेडियस जो है वो है आर, स्मॉल आर, ओके। अच्छा, अब आपने अगर इस जो डिस्क मेरे पास एग्जांपल के तौर पर है, इसको अगर आपने ध्यान से देखा होगा ऐसे, तो इसकी कोई थिकनेस भी आपको दिखाई दे रही है। ये डिस्क ऐसी होती है कि ये साइड से बिल्कुल बारीक है, सेंटर से इसकी कुछ थिकनेस है। अब यहां से देखें तो इसकी कोई एक थिकनेस आपको दिखाई दे रही है। तो हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो हमने ये रिंग सपोज किया है, इसकी कोई थिकनेस भी है,
और इसकी थिकनेस कितनी है? अब थिकनेस चूंकि कम होती है तो इसकी थिकनेस हमने मान लिया, इसकी थिकनेस ये ऐसे में शो करने की कोशिश करता हूं आपको, ऐसे ये इसकी थिकनेस है, ये मैं ऐसे प्रयास करता हूं थोड़ा सा आपको टू डायमेंशन में दिखाने का, और ये हमने मान लिया कितनी है डी आर। मतलब कहने का है कि अगर सपोज कर लो मैं ये ग्रे वाला रिंग लेकर के चल रहा हूं, तो इस ग्रे वाले रिंग के अंदर से और बाहर से मैं पूरा काट लेता हूं, सिर्फ एक एक ये ग्रे वाला रिंग ही आपको दिखाई देगा, तो वो ऐसा बन जाएगा जैसे मैंने हाथ में ये रिंग पहना हुआ है, तो इसकी कुछ आपको थिकनेस भी दिखाई दे रही है, एंड दैट थिकनेस इज इक्वल टू डी आर एंड द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज स्मॉल आर। सो इस सर्कुलर रिंग का एरिया किसके बराबर होगा? सर्कुलर रिंग का एरिया, बिकॉज इट इज हॉलो फ्रॉम द इनसाइड। अब हमने ये रिंग जो है इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमने को कहा कि एक तो ये लेंथ चाहिए पूरी, ये होती है 2πr, और इसकी विड्थ है dr, इसलिए कितना हो जाएगा टोटल इसका एरिया, कितना हो जाएगा द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 2πr जो हमारा टोटल लेंथ है इंटू dr जो इसकी विड्थ है, ये हमारा टोटल एरिया निकलेगा किसका, सर्कुलर रिंग का। तो इसका मास कितना होगा, मास ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू मास ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू, अब मास पर यूनिट एरिया हमारे पास m बाई 2πr है, m बाय पाई आर स्क्वेयर, सॉरी पाई आर स्क्वेयर इंटू आ जाएगा 2πr इंटू डी आर। अब r और r का ध्यान रखना, कहां पर जो कैपिटल है कहां पर स्मॉल है, क्योंकि कैपिटल और r जो है, ये जो कैपिटल r और स्मॉल r ये अलग अलग चीज है। तो अब यहां पर कैंसिल क्या होगा, सिर्फ एक एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, m डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू 2r इंटू डी आर, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सर्कुलर रिंग। अच्छा जी, अब हमने पिछली क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि अगर एक ऐसा सर्कुलर रिंग हो, मास उसका आपको पता होना चाहिए, और वो सर्कुलर रिंग इस तरीके से रखा है आपने कि उसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो है वो एट द ओरिजिन है, तो सेंटर ऑफ मास उसका जो लाई करता है दैट लाइज एट द जीरो जीरो। मतलब कहने का हो गया कि उसके कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर रिंग आर जीरो जीरो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू जीरो जीरो। मतलब इसका जो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी जीरो के बराबर, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो भी जीरो के बराबर है। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे सर्कुलर डिस्क का जो जो हमारी पूरी डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। हम कैसे निकालते हैं, तो हमने माना हुआ है कि जो छोटे छोटे जिस रिंग्स का बना हुआ है हर एक का जो एक्स कोऑर्डिनेट है एंड मास उसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय द टोटल मास, तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क, पूरी डिस्क का आ जाएगा। सो इफ एक्स सी एम एंड वाई सी एम आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कुलर डिस्क, देन बाय डेफिनेशन एक्स सी एम किसके बराबर आ जाएगा, वन बाय एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स। अब यहां पर आ जाएगा वन बाय एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, कितना आ गया हमारे पास, हमने मास कितना निकाला, ये आ गया हमारे रिंग का, ये आ गया एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू टू आर इंटू डी आर
इंटू एक्स कितना है हमारा जीरो, तो क्या हो जाएगा इस पूरे के साथ इस जीरो को मल्टीप्लाई होने के कारण ये आ जाएगा जीरो। एंड इन द सेम वे वाई सी एम इज इक्वल टू वन बाय एम इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम डीएम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं एम बाय आर स्क्वायर इंटू टू आर डी आर इंटू जीरो एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क विल बी इक्वल टू जीरो जीरो। एंड व्हाट डज इट मींस, इट मींस दैट अब जीरो जीरो हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर डिस्क जो थी उसका जियोमेट्रिकल सेंटर है। इसका मतलब हो गया कि जो सेंटर ऑफ मास होगा एक सर्कुलर डिस्क का दैट विल लाई एट द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर डिस्क। इसका मतलब अगर ये एग्जांपल जो मैंने आपके लिए लाया है, इसका मतलब अगर ये सर्कुलर डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, इसके बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। एंड सो द पोजिशन वैक्टर उसके क्या होंगे, जीरो जीरो। सो माई डियर स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस दैट हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। आई होप आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गया होगा। इवन इफ अगर कहीं कन्फ्यूजन कोई रह गया हो, कोई ऐसी बात रह गई हो जो आपके आपको क्लियर ना हो पाई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके लिए खुला है, ताकि जब अगली क्लास कल हम लें तो उसमें मैं उस डाउट को ले पाऊँ जो आपके दिमाग में रहा हो। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।